दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक रैट्स ने एक रेस्क्यू किया था जिसको बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचाई गई थी। हमने बहुत से वेटनरी डॉक्टर को संपर्क किया लेकिन कोई भी इसका इलाज करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सो हमारे पास इसका इलाज खुद करने के सिवा और कोई भी चारा नहीं बचा था। तो आइए देखिए आगे का वीडियो। कम से कम 8 फीट, 8.5 फीट लंबा सांप है जी। मेरी हाइट 6 फीट है, मुझसे भी ये 2 फीट ऊंचा है। ये देखो कहां चोट लगी हुई है इसको, जिसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये लीजिए सेलो टेप। वो बोलो भी कि ये हिले नहीं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं अभी। इसके काटने से क्या है कि कोई जख्म वगैरह ना हो जाए, इसको बांधना जरूरी है, तो इसको नुकसान भी नहीं होगा ऐसे सेलो टेप से बांधने से। इसको अभी अभी हमने पकड़ा है, ये देखो इसका हमने मुंह फ्री कर दिया है, इसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है। यदि हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो इसको चींटियां खा जाएंगी। बहुत ही दुर्लभ जाति का सांप है, तो इसका इतना इतना ही सांप छोड़ देंगे, इसके नीचे चलेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही दुर्लभ जाति का सांप है, तो ये सांप जो है इसकी आयु होती है करीब करीब 15 से लेकर 18 बरस। कितना? 15 से लेकर 18 बरस। जहाँ प्रोजेक्ट में जहाँ जेसीबी लगी हुई थी, तो वहां शायद जेसीबी से या फिर किसी ने इसको गहरी चोट पहुंचा दी हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक जीव है, ये भी प्रकृति का एक हिस्सा है, इससे भी प्रकृति का संतुलन जो है वो बना रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि किसी ने किया है तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सांप जो है ये हमारे मित्र होते हैं। एक सांप जो है अपनी पूरी जिंदगी में, ये सांप काफी चूहों का विनाश कर देता है। कम से कम 2-2.5 लाख एक सांप जो है ये रैट स्नेक, ये अपनी पूरी जिंदगी में 2-2.5 लाख चूहे खा जाता है। देख लो हमारे लिए कितना सहायक है। इसके लिए ये एक किस्म का स्ट्रेचर है। मैं मेडिकल स्टोर में भी गया था जी, मैं मेडिकल स्टोर से सभी इसकी मेडिसिन वगैरह लेके आया हूँ। तो मेडिकल स्टोर वाला जो है, गोपाल मेडिकल स्टोर वाले, उनकी भी काफी दया भावना है, वो भी काफी नेक काम करते हैं, काफी संस्थाओं से वे जुड़े हुए हैं। वो बोल रहे थे कि आप रहने दीजिए जी, मेरे से पैसे नहीं ले रहे थे, थोड़े से पैसे दिए, तो फिर भी मैं थोड़े से पैसे उनको दे के आया हूँ, क्योंकि उनका भी जो दवाई का जो खर्चा है वो जितना आया उसको मैं दूंगा। पहले सबसे देखो, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मुझे हाथ साफ करने जरूरी है। ये भी देखो महाशय देख रहे हैं, ये देखो मेरे ख्याल से शायद इसका हार्ट है, ये इसका हार्ट है, आप देखेंगे शायद ये इसका हार्ट है। ये कैसे धक धक धड़ करा है, कितना देखो कितना बेचारे को गहरा जख्म हुआ है। वैसे ये इसकी बेहोशी के लिए इंजेक्शन है जी, बेहोशी तो नहीं, सुन के लिए इंजेक्शन है। इसको सुन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जैसे स्टिच करेंगे हम इसको तो ये तड़फेगा, तो तड़फने से क्या है कि स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएगी लगाने में। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि 2 ml से अधिक नहीं लगाना है, तो 2 ml हमने भर लिया है, ठीक है जी, पूरा कंप्लीटली। अभी किया तो नहीं ऑपरेशन, ये कर पहले जिंदगी में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने दिया था थोड़ा थोड़ा सभी तरफ, इसको इंजेक्ट करना जरूरी है।
हार्ट बचा करके, क्योंकि इसकी स्किन में लगाना है। इसको हार्ट का बचाव करना है क्योंकि हार्ट बिल्कुल सामने है। इंजेक्शन लग चुका है जी, थोड़ी देर इंतजार करेंगे अब इसका। बीटाडीन है, इसे बीटाडीन के जो जख्म है पहले इसको वॉश करेंगे। जितनी चोट इस सांप को लगी है, यदि किसी इंसान को इतनी चोट लगी होती तो वह सीधा आईसीयू रूम में होता, आईसीयू रूम में उसका एडमिट किया होता, और बस डॉक्टर बोलते हैं इसकी कंडीशन जो है ना बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही सीरियस है। तो ये देख लो जंगली जीव है, कितना हिम्मत वाला है, कितना पावरफुल है, अभी भी इसने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा है। का सफाई करना बहुत ही जरूरी है, जो कचरा वगैरह देखना पड़ेगा, कचरा तो नहीं है इसके भीतर कोई रह गया। कचरा वगैरह भी इसका साफ करना पड़ेगा, माटी मूटी जो है सभी, मिट्टी के कण सभी बाहर निकालने पड़ेंगे। ये बीटाडीन डाली है मैंने इसमें, ये देखो ये कचरे का कण है ये। अब ये सुन्न हो चुका है, ये देखो, वैसे भी शांत हो चुका है, आप देख सके हैं इसके फेस के ऊपर फेस इंप्रेशन आप देख सके हैं, शांत हो चुका है क्योंकि दवाई का असर इसमें हो चुका है जी। तो अब नेक्स्ट क्या है कि हम ये भी देखते हैं, कभी किया तो नहीं है। तो ये बोल रहे थे जी मेडिकल स्टोर वाले कि इसमें है जी वो टांके लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट सारा है, देखते हैं क्या क्या है। बोल रहे थे एक नीडल है और थोड़ा सा धागा है। ये है जी नीडल स्टिचिंग की, ध्यान थोड़ा सा भी भड़का या तो डंक मार देगा तो, या फिर इसका इधर मुश्किल हो जाएगी। बहुत बुरी तरह से इसको देड़ा हुआ है, जिस किसी ने भी किया बहुत महापाप किया, या अनजाने में हो गया तो चलो उसका कुछ नहीं, यदि जानबूझ के किसी ने पत्थर मारा होगा तो बहुत बड़ा अन्याय किया इसके साथ, क्योंकि इसकी भी तो अपनी जिंदगी है, इसकी भी तो अपना, ऊपर वाले ने इसको भी तो जिंदगी अपनी तरह से जीने का अधिकार दिया है। अब थोड़ा उम्मीद चल रही है कि बचने की इसकी,
या स्टिचिंग हो गए तो फिर समझ लो इसका बचाव है। बाकी इसको खाने को देंगे, थोड़ा आराम देंगे इसको चंद दिन सही जगह का, अपने यहाँ रखेंगे, बेशक रिस्क है इसमें, बेशक स्टिचिंग का तो फाइनल करीब करीब होने वाला है जी। तो अब इसका सभी कृपया दुआ कीजिए ईश्वर से, इसकी जान जो है ना वो बच जाए, इसका जख्म ठीक हो गया, बाकी कोई बात नहीं, जख्म को इसको आराम आना बहुत ही जरूरी है। तो जी को 35-40 के करीब स्टिचेस वगैरह लगा दिए थे, और उसके बाद बैंडेड और मेडिसिन जो भी ट्यूब थी उसके ऊपर लगाकर, तो बैंडेड जो है वो बांध दिया है, कॉटन वगैरह लगा दिया है। अब यहां से कोई 4 इंच तक हिले ना, 4 या 5 इंच तक हिले ना, क्योंकि 2 इंच का इसका जख्म है चौड़ा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके पीछे जहां जख्म है उसके बिल्कुल पीछे ये कोई सख्त सी चीज जो है ना थोड़ा हटके उसके मां से टेप से चिपका देंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि इसका जख्म जो है उसकी हीलिंग ना हो, वो हिले ना, ताकि इसको आराम जल्दी से जल्दी आ सके। ये थोड़ा थोड़ा अब आ गया जी, अपने चेतन अवस्था में आ रहा है जी, इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है बस पर, तो आप अपनी चेतन अवस्था में आ रहा है। जब तक जख्म नहीं सही होगा इसका, तब तक इसको हमें अपने पास ही रखना पड़ेगा। कितना खूबसूरत है जी, तो ये मेरे चरण स्पर्श कर रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। ये बाल्टी है, एयर कंडीशन बाल्टी है, कुछ दिनों के लिए इसको यहां ही रहना पड़ेगा।